हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन एक अच्छा कैमरा पर्पस के लिए बाय करते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी स्मार्टफोन बाय करने के बाद पता चलता है कि उस फोन का कैमरा रियली में काफी बेकार काम करता है। तो मैंने काफी एक्सप्लोर और रिव्यू चेकआउट करने के बाद आपके लिए टॉप 3 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन फाइंड आउट किए हैं 15,000 के अंदर में, जो आपको रियली में काफी पसंद आने वाले हैं, जिससे आप हाई क्वालिटी के पिक्चर्स ले पाओगे और 4K वीडियो भी शूट कर पाओगे और गेमिंग वगैरह के लिए पावरफुल प्रोसेसर भी मिल जाएगा और यहाँ तक कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी विद फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ और लंबे देर तक चलने वाली 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी और फास्ट चार्जर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये बेस्ट कैमरा फोन्स की लिस्ट है, तो मैंने इन सारे फोन को ऑल ओवर कैमरा क्वालिटी और प्राइस के बेसिस पर नंबर वाइज रैंक किया है। तो तीसरे नंबर पर आता है 108 MP कैमरा वाला स्मार्टफोन, जिसमें आपको डिस्प्ले और डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है और उस फोन का नाम Realme 9 4G है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। तो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है, बट डिजाइन के मामले में ये फोन दिखने में काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है और अच्छे डिजाइन के साथ साथ इसकी इन हैंड फील भी काफी कमाल की है, क्योंकि इस फोन का वेट सिर्फ 178 ग्राम है और इसकी थिकनेस भी सिर्फ 7.99 mm की है, जिससे ये स्मार्टफोन आपको यूज करने में काफी हल्का और स्लिम फील होने वाला है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया, बट इसके स्पीकर की क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी और लाउड है और इसमें आप 2 SIM का 1 microSD का एट द सेम टाइम पे यूज कर पाओगे। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया, जो इस सेगमेंट वाले स्मार्टफोन के अंदर काफी कम दिया जाता है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे रन करता है। तो गाइस ये थे इसके कुछ बेसिक फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग की गई है, बट काम के सिर्फ 2 ही कैमरा है, जिसमें से मेन कैमरा 108 MP का विद अपर्चर 1.75, जिसमें सैमसंग HM6 का कैमरा सेंसर लगा है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और वही 2 MP का यूजलेस मैक्रो कैमरा। और फेस कैमरा में 16 MP की सेल्फी शूटर दी गई है, जिसमें सोनी IMX471 का कैमरा सेंसर लगा है और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। तो इसके मेन कैमरा में और इसके सेल्फी में सैमसंग और सोनी का कैमरा सेंसर लगा है, जो दिन के समय डिटेल को अच्छे से कैप्चर कर लेता है और इसकी सेल्फी में भी स्किन टोन और कलर काफी अच्छे आते हैं। और इसमें आपको ब्यूटी मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR और स्लो मोशन जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। और इस फोन में पावर सप्लाई करने के लिए आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई, जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा और इन द बॉक्स आपको 33 W का वेरी फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 680 का 6nm बेस प्रोसेसर दिया गया है। ये प्रोसेसर एक्सट्रीम गेमिंग के लिए तो नहीं बना है, लेकिन आप इसमें मीडियम सेटिंग पर पबजी और COD को इजिली रन कर पाओगे और डेली यूसेज में ये स्मार्टफोन काफी स्मूथ काम करता है। और इसके डिस्प्ले पे आए तो आपको इसमें 6.4 inches की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई, जो सपोर्ट करती है 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को और 360Hz का टच स्नैपिंग रेट और 1000 nits की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो डिस्प्ले वाइज ये फोन काफी अच्छा और स्मूथ है। आई डोंट थिंक सो कि मल्टीमीडिया लवर्स को इसके डिस्प्ले से कोई भी इशू होगा। तो फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 6128 का प्राइस 16,000 पड़ता है, लेकिन बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 15,000 के अंदर बाय कर पाओगे, या सेल के समय आप इस डिवाइस को बिना ऑफर अप्लाई किए ही 15,000 के अंदर बाय कर पाओगे। नहीं तो आप Redmi Note 11S को भी परचेस कर सकते हो, जिसका प्राइस 15,200 पड़ता है Flipkart के ऊपर। तो दोस्तों मेरे इस लिस्ट पे सेकंड नंबर पे 2 स्मार्टफोन आते हैं, एक Vivo T1 5G और दूसरा iQOO Z6 5G, और दोनों फोन्स के ऑलमोस्ट सारे के सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, बट दोनों के प्राइसिंग में 1,000 का डिफरेंस है। और मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ Vivo T1 5G के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है और इस फोन का वेट 187 ग्राम और इसकी थिकनेस भी 8.25 mm की है। तो ये फोन आपको यूज करने में काफी कंफर्टेबल और स्लिम फील होने वाला है और ये वीवो का फोन है, तो आपको इसमें डिजाइन काफी अच्छा और स्टाइलिश दिया गया है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसमें आप 2 SIM कार्ड 1 microSD कार्ड एट द सेम टाइम पे यूज कर पाओगे और इसमें आपको 5G के सिर्फ 2 ही बैंड्स दिए गए हैं और 3.5 mm का ऑडियो जैक और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया, जो काफी फास्ट काम करता है।
तो इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जानने बाद चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 जिसमें सैमसंग J1 का कैमरा सेंसर लगा है और 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो और डेप्थ कैमरा। फ्रंट पे आपको यू नॉच में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। वैसे तो ये फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट तो नहीं करता बट इसकी कैमरा क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी इंप्रेसिव है जिससे आप डे लाइट के समय कमाल के पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। यहाँ तक कि लो लाइट में भी इसका कैमरा काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई जो सपोर्ट करती है सिर्फ 18 वाट के टाइप सी चार्जर को। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 695 का 6 NM बेस प्रोसेसर दिया गया जिसका अंतर स्कोर 4 लाख के ऊपर देखने को मिल जाता है। 15000 के अंदर आप इस प्रोसेसर को सबसे ग्रेटेस्ट प्रोसेसर भी मान सकते हो जिसपे आप कोई भी गेम लाइक PUBG और COD को हाई ग्राफिक्स पे बिना कोई लैग फील कर पाए खेल पाओगे। और लंबे देर तक गेम खेलने से आपका स्मार्टफोन ज्यादा हीट ना हो इसलिए इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। और इसके डिस्प्ले पे आए तो आपको इसमें 6.58 इंच की IPS डिस्प्ले मिलता है जिसपे वर्क करती है 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट और 460 nits की पीक ब्राइटनेस पे दी गई है। वैसे तो ये फोन IPS डिस्प्ले के साथ था बट इसकी डिस्प्ले क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है और 120Hz पे काफी स्मूथ काम करता है। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, इसके 4128 का प्राइस 16000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर और आप 15000 ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। और आपको वीवो T1 5G जैसा स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप IQOO Z6 5G को बाय कर सकते हैं जिसका प्राइस 15000 के अंदर पड़ता है। और मेरे इस लिस्ट पे फर्स्ट नंबर पे एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन सैमसंग M33 5G। वैसे तो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है बट डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी अच्छा लगता है और सैमसंग लवर्स को इसका डिजाइन काफी अच्छा भी लगने वाला है। और ये फोन आपको यूज करने में हैवी फील हो सकता है क्योंकि इस फोन का वेट 215 ग्राम है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आप इसमें 2 SIM कार्ड, 1 micro SD कार्ड एट द सेम टाइम पे यूज कर पाओगे और आप इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है और 5G के 12 बैंड्स और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है 50 megapixel का मेन कैमरा जिसमें सैमसंग J1 का कैमरा सेंसर लगा है जिसे आप 4K 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओगे और 5 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 megapixel का यूजलेस मैक्रो और डेप्थ कैमरा दिया गया है। और फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच में 8 megapixel की सेल्फी शूटर दी गई है जिसे आप 1080p पे 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इसके मेन कैमरा में सैमसंग का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर लगा जो रियली में काफी अच्छा काम करता है जो आपको काफी नेचुरल पिक्चर्स और वीडियो निकाल के दे देता है और इसकी सेल्फी भी अच्छे काम करती है जो कलर और स्किन टोन को अच्छे से कैप्चर कर लेती है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें सैमसंग का खुद का प्रोसेसर एक्जिनोस 1280 का 5G चिपसेट दिया गया जो एक 5 nm बेस प्रोसेसर है। वैसे तो सैमसंग के फोन गेमिंग फोन तो नहीं होते बट आप इसमें पबजी को हाई सेटिंग पे 30 fps पे इजिली रन कर पाओगे। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जिसमें आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और ये फोन 25 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है लेकिन वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा क्योंकि इसके बॉक्स के अंदर एडाप्टर नहीं दिया गया। और इसके डिस्प्ले पे आए तो आपको इसमें 6.6 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिलती है विद 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसमें आपको TFT डिस्प्ले दी तो गई है बट इसकी क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है और 120Hz भी काफी स्मूथ काम करता है। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, जिसके 4128 का प्राइस 15000 पड़ता है Amazon के ऊपर।